चंद्रयान तृतीय प्रक्षेपित हुआ भारतवर्ष के श्रीहरिकोटा से, परंतु अग्नि भभक रही है लंदन के अंग अंग से। यह कोई कविता नहीं, वास्तविकता का वो अंश है जिसे अब तक अंग्रेज पचा नहीं पा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, ये TFI और मैं अनिमेश पांडे आपको ले चलता हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां कॉमेडी भी है, ड्रामा भी और ढेर सारी अंग्रेजी ओवर एक्टिंग भी, जिस पर मरहम हेतु बर्नौल भी पर्याप्त ना होगा। UK जिसका मौसम उसके भोजन समान फीका और बेस्वाद है, इस बात से आहत है कि भारत ने चंद्रयान तृतीय प्रक्षेपित किया तो किया कैसे। इन महामूर्खों को कौन समझाए कि ये 1923 नहीं 2023 है। पर छोड़िए, समझाए भी तो उसे जिसके पास मस्तिष्क हो, जिसकी स्पेस एजेंसी होने के बाद भी चंद्रमा छोड़िए अंतरिक्ष पहुंचने में भी हाफने लग जाए, वो अगर भारत को उपदेश देने लगे तो क्रोध कम हंसी अधिक आती है। उदाहरण के लिए पॉल गोल्डिंग को देखिए। ये अंग्रेजी राजनीतिज्ञ कहते हैं कि यदि भारत चंद्रमा पर अपने मिशन भेज रहा है तो क्या हमारी एड का दुरुपयोग नहीं हो रहा। अरे इनको छोड़िए, एक पूर्व सांसद हार्वे प्रॉक्टर तो यहां तक कहते हैं कि जब भारत इतना ही सक्षम है तो इन्हें वैश्विक सहायता की क्यों आवश्यकता। बात तो सही कही अंकल ने, जब मोटा भाई जैसे व्यक्ति हो तो महिमामंडित भिखारियों से पैसे क्यों मांगना। इतनी तत्परता अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए दिखाते तो UK ना जाने कहां होता। पॉल गोल्डिंग अपने ईर्ष्या भरे बयानों में अकेले नहीं थे। कई ब्रिटिश बुढ़ऊ जो अभी भी भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानने की धारणा में जी रहे हैं, अपनी गलत श्रेष्ठता की भावना को खतरे में पाए हुए देखे। प्रिय ब्रितानियों, अब समय आ गया है कि आप अपनी औपनिवेशिक खुमारी को दूर करें और इस तथ्य को स्वीकार करें कि भारत तकनीक और अंतरिक्ष अन्वेषण में आगे बढ़ रहा है। भारतीय नेटिजन्स ने कृपालु ट्वीट का जवाब देने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने ब्रिटिश राजनेता को ब्रिटेन द्वारा भारतीय धन की ऐतिहासिक लूट, खरबों डॉलर लूटने और अपार पीड़ा पहुंचाने का स्मरण कराया। अब जब बात विदेशी सहायता पर ही आई है तो भारतीयों ने अंग्रेजों को उनकी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कई ट्वीट किए। उन्हें भी पता था कि अंग्रेजों को इस समय कुटाई और अपशब्द की कम बादान की आवश्यकता अधिक है। शायद कुछ महानुभावों को पता नहीं है, परंतु अपने समस्त अनुभवों के साथ भारत कई मायनों में आत्मनिर्भर हो रहा है, विशेषकर आपदा प्रबंधन के मामले में। चाहे मित्र हो या अवसरवादी, भारत ने बड़ी विनम्रता से संदेश भेजा है, आपका आशीर्वाद पर्याप्त रहेगा, बाकी सहायता तो हम अपनी स्वयं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत को फॉरेन एड से बैर है, बस अगर स्वीकार करेगा तो अपनी शर्तों पे। यही बात 2015 से ब्रिटेन नहीं समझ पा रहा है। भारत की उपलब्धियों ने अंतरराष्ट्रीय मान्यता और सम्मान अर्जित किया है। चंद्रयान द्वितीय मिशन के दौरान चुनौतियों का सामना करने के बावजूद असफलताओं से सीखने और चंद्र अन्वेषण के अपने प्रयास में लगे रहने का भारत का संकल्प सराहनीय है। चंद्रयान तृतीय का सफल प्रक्षेपण भारत को एक विशिष्ट लीग में शामिल करेगा, जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम देशों के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन की श्रेणी में शामिल होने को उद्यत है। UK और भारत के बीच की एक कॉस्मिक अंतर्द्वंद दो अलग अलग मानसिकताओं के सूक्ष्म जगत के रूप में कार्य करती है। जहां ब्रिटेन अभी भी अपने अतीत के पोखर में लौट रहा है, तो वहीं भारत प्रगति और आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को अपनाता है। जैसे जैसे भारत नई सीमा पर विजय प्राप्त करने की योजना बना रहा है, ब्रिटेन की ईर्ष्या और उसके गलत व्याख्यान केवल उसकी भद पिटवा रहे हैं। भारत का अटूट दृढ़ संकल्प आत्मनिर्भरता और ईर्ष्यालु टिप्पणियों के सामने उसकी दमदार वापसी एक शानदार प्रदर्शन बनाती है। तो प्रिय UK, आराम से बैठे और अनचाही सलाह देने से पूर्व चंद्रमा पर अपना खुद का अंतरिक्ष यान भेजने की कृपा करें। जैसे जैसे भारत आसमान छूता जा रहा है, इनकी कुंठा भी तीव्र होती जा रही है। और हमें क्या भाई, अगला लक्ष्य सेट करने में इसरो को प्रेरित करना है। क्या पता अगला मिशन बृहस्पति ग्रह पे सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए।